हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता आपको आज बताऊंगी ये बेबी सेट जो मैं गले से कैसे शुरू करती हूँ वो बताऊंगी, और ये जो मैंने पत्तियाँ डिवाइड की हैं इसे बताऊंगी सिर्फ कि इसे कैसे बनाते हैं। आज मैं इसके नीचे पूरी स्वेटर नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना ही दूर बताऊंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किए हैं। ये गले से शुरू हुआ है, इसमें मैंने टोटल 83 फंदे दिए हैं। 83 फंदे में मेरा पांच पांच फंदा ये बॉर्डर का है, और उसके बाद इन पत्तियों को मैंने डिवाइड करके बनाया है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसमें 83 फंदे देंगे और 8 सलाई बॉर्डर के बनाएंगे, दोनों ओर से सीधी सलाई बुनते हुए। दोनों ओर से सीधी सलाई बुनेंगे, यानी 8 सलाई मेरा बॉर्डर का होगा। और ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है दोनों साइड के पल्ले में, ये भी मेरा दोनों ओर से सीधी सलाई में बनाएंगे। इसमें 83 फंदे में, ये यहाँ पर 83 फंदे में, इस 83 फंदे में, जैसे टोटल 83 फंदे में पांच पांच फंदे मेरे यहाँ पर दोनों ओर बॉर्डर के हो गए। तो मैं यहाँ पर 5 + 5 मेरे बॉर्डर के हो गए, और ये वाली जाली के पहले मैं यहाँ पर 6 फंदे रखी हूँ और इधर भी 6 फंदे रखी हूँ। तो इधर मेरे 6 फंदे हो गए, 6 6 फंदे यानी 12 फंदे हो गए मेरे यहाँ पर। और ये जो मैं दो जाली के बीच में जो एक फंदा ये रखी हूँ, एक एक चोटी, ये मेरी हो गई 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदा इसका रख लेंगे। और इन दो जाली के बीच में जो मेरा ये गैप है, इसमें मैंने 11 फंदे रखे हैं। तो यहाँ पर 11, फिर 11, फिर इसके बीच में 11, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, यानी 5 बार मेरा 11 11, 55 फंदा मेरा इधर हो गया, 55 हो गया। तो मैं ये टोटल जब काउंट करती हूँ तो मेरे 83 फंदे होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इसे पांच पांच फंदे बॉर्डर के, ये छः छः फंदे बॉर्डर के बाद यहाँ पर 6 फंदे, और ये 6 फंदे मैंने ये अलग अलग चोटी, जिसे मैं चोटी बोलती हूँ क्योंकि ये चोटी की तरह जाती है दो जाली के बीच में, ये 6 हैं। और 55 फंदे, क्योंकि 11 11 फंदे का गैप है 5 बार। तो इस तरह से मेरे 83 फंदे को डिवाइड किया है। अब आगे मैं बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो में सीधी तरफ से मैं 5 सीधा यहाँ पर बॉर्डर का बुन लूंगी, फिर 6 सीधा बनाने के बाद फंदे को आगे कर लेंगे और 1 सीधा बुनकर फिर से फंदे को आगे कर लेंगे, ताकि मेरी दो जाली बनकर यहाँ पर फंदे को बढ़ाना है। आगे फंदा करके फिर 11 फंदा मेरा सीधा बुनेंगे, और फंदे को आगे करके फिर से 1 सीधा बनाकर फंदे को आगे कर लेंगे, और 11 सीधा फिर से बुनेंगे। ऐसे ही पूरी रो को बनाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में इस जाली के बाद 6 फंदा सीधा और 5 फंदा बॉर्डर का बुनेंगे, जैसा शुरू यहाँ पर मैंने किया है। ये मेरी फर्स्ट रो हो गई, और उल्टे से पूरा उल्टा ही बुनेंगे, सिर्फ बॉर्डर के 5 फंदे के पास 5 सीधा बुनना है मुझे। उल्टे से पूरा उल्टा बुन लेंगे, फिर सेकेंड रो में सीधी तरफ से सेम उसी को रिपीट करना है मुझे। जैसे इस
चोटी के पास मुझे दो फंदे को फिर बढ़ाना है। फंदे बढ़ाने के लिए ये इधर भी फंदा आगे करते हैं और इधर भी आगे करते हैं। अब यहाँ पे मुझे फंदे को काउंट नहीं करेंगे, सिंपल इस चोटी के पहले दो जाली बनाना है। सारे में पहली रो में ही काउंट करके यहाँ पर बना लेते हैं दो जाली, फिर इसी जाली के ऊपर मुझे जाली को बनाते जाना है। ऐसा मुझे करते हुए टोटल चार जाली बनाएंगे, 1 2 3 और ये चार, चार जाली यहाँ पर मुझे बनाकर यहाँ पर इसे खत्म करेंगे। वैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा बुन कर बता दे रही हूँ कि यहाँ पर ये दो जाली कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ, जैसे बॉर्डर के पांच फंदे बुन लेंगे, बॉर्डर के पांच फंदे बनाने के बाद अगर मुझे यहाँ पे जाली जैसे बनानी है इस वाली चोटी पे, तो एक फंदा सीधा बुनकर फंदे को आगे कर लेंगे और फिर इसे सीधा बुन लेंगे और फिर से फंदे को आगे कर लेंगे। तो ये मेरी दो जाली बिल्कुल अगल बगल इस फंदे के बन गई और उल्टे से पूरा उल्टा ही बुनेंगे इसे। इसी ढंग से मैंने जाली को बनाया है। जब मेरी ये चार जाली पूरी हो जाएगी तब मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि इन दो जाली के बाद मैं उल्टे से पूरा उल्टा रो बना लूंगी, फिर सीधी तरफ से मुझे इन दोनों के बीच में यहाँ पर वैसे ही जाली को बनाना है जैसे यहाँ पर मैंने शुरू किया था इसे, वैसे मुझे यहाँ पे शुरू करना है, लेकिन इन दोनों के ठीक मिडिल में। तो यहाँ पर मेरा फंदा बढ़ता हुआ मैं गिन लूंगी कितना आया है इन दोनों के बीच में। जैसे पहले मेरा यहाँ पर 11 फंदा था, तो इधर मेरा चार फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 और इधर भी चार, तो 11 के बाद चार, मेरा यहाँ पर 15 फंदे हो गए और इधर चार, यानी टोटल 19 फंदे मेरे बढ़कर हो जाते हैं यहाँ पर। तो 19 में मैंने 9 फंदे इधर और 9 फंदे इधर अगर रख दिए तो बीच के मेरे एक ये मिडिल सेंटर हो जाएंगे। तो वैसे ही सारे पत्तियों के बीच में मुझे इन दोनों के, ये देखिए इन दोनों के भी मिडिल में मुझे एक पॉइंट निकालना है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसे निकालना है, और इधर भी शुरू में भी देखिए यहाँ पर मेरे जितने फंदे होंगे काउंट करके इधर भी उतने फंदे होने चाहिए। यहाँ पर एक जाली, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक जाली शुरू करनी है शुरू में, बॉर्डर के बाद शुरू में मुझे एक जाली सिर्फ बनानी है और उसके बाद मुझे दोनों ओर बनाना है, इधर भी, इधर एक जाली मेरा है और यहाँ पर फिर दो जाली है, क्योंकि यहाँ से मुझे दो पत्तियों के लिए ये जाली बनाना होता है। इधर मेरा एक ही पत्ती के लिए ये जाएगा, इधर मेरा बॉर्डर है। तो यहाँ पर एक मिडिल पॉइंट हो गया और फिर से उसे वैसे ही बनाते रहेंगे जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था, यानी कि इस पॉइंट के बस अगल बगल मुझे जाली बनानी है यहाँ पर भी और यहाँ पर, जहाँ जहाँ मैंने बीच में ये जाली बनाना शुरू किया है सारे सीधे तरफ से मुझे दो जाली बनानी है, फिर उल्टे रो में पूरा उल्टा बुन लेंगे और सीधी तरफ से फिर से मुझे वही इस जाली के बाद मुझे एक जाली बनानी है, ये ध्यान देंगे आप। इन दोनों जाली के बीच में जो ये सेंटर में मैंने दो जाली बनाई है इसे मैं इस 9 फंदे में बनाकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि 9 फंदा मेरा ऑड नंबर है जिसमें मिडिल पॉइंट मेरा चार चार के बीच में होगा, यानी चार फंदा इधर चार फंदा इधर और बीच का ये एक पॉइंट है। इसमें देखिए मैं जाली कैसे बना रही हूँ, जैसे चार फंदे मैंने सीधे बुन लिए,
फंदे को आगे कर लेंगे और फिर से एक सीधा बनाने के बाद फंदे को फिर से आगे कर लेंगे और ये चार फंदे मेरे सीधे बन गए। अब उल्टे से पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये सीधी तरफ से फिर से चार फंदे बना लेंगे और इस जाली के पहले मुझे जाली बनाना है। जैसे फंदे को आगे करके एक जाली बुन लेंगे और फिर से इसे सीधा बुन लेंगे जाली को, और इस तरफ वाले जाली को जाली बुनने के बाद मुझे एक फंदा लेना है। मतलब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि मेरा ये जाली इस ओर जाना चाहिए और ये जाली मेरा इस ओर जाना चाहिए। जैसा इसमें देखिए, इस मिडिल पॉइंट के अगल बगल दो जाली है मेरी, तो ये जाली मेरी इस ओर जाएगी और ये जाली इस ओर जाएगी। ऐसे मेरा ये शेप आना चाहिए। उसके लिए इस तरफ से बुनते समय उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनने के बाद तीसरी सीधी सिलाई में भी मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ कि जाली को कैसे बनाना है। इस जाली को मुझे इस ओर ले जाना है और इस जाली को इस ओर ले जाना है मुझे। इसके लिए क्या करेंगे आप, बस सिंपल सा एक तरीका है ये। इसमें उतना फंदे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी इस जाली के पहले फंदे को आगे करना है, इधर वाली जाली के पहले। तो मेरा ये जाली इसके पहले बन गया और इसे मैं बुनते जाऊंगी सीधी रो में। और इधर वाली जाली में जाली को बुनने के बाद मुझे फंदे को आगे करना है, ऐसे। बस इसी दो बात का ध्यान रखेंगे कि इस ओर मुझे पहले फंदे को आगे कर लेंगे, फिर जाली वाले फंदे को बुन लेंगे, और इधर मुझे पहले जाली को बुना बना कर फिर फंदे को आगे करना है। तब मेरा ये इस ढंग से कर्व की तरह हो जाएगा। ये यहाँ पर चार जाली तक, 1 2 3 4, ये चार जाली तक मुझे ऐसे ही बनाते जाना है। यहाँ पर जैसे इस जाली के पहले एक जाली देंगे और यहाँ पर जाली बुनने के बाद जाली बनाएंगे। इस चार जाली के बाद अब यहाँ पर मुझे इसे छोटा करना है, बिल्कुल पत्ती का शेप देना है। इसके लिए जाली के यहाँ पर जाली के बाद मुझे एक जोड़ा फंदा बनाना होगा और यहाँ पर जाली के पहले एक जोड़ा फंदा बनाना होगा, हर जाली के इधर बाद और इधर पहले। तो मेरा बीच का फंदा ये घटता जाएगा और ये घटकर यहाँ पर मैंने एक फंदा देखिए यहाँ पर बना ली हूँ, ताकि मेरा ऐसे पत्ती की तरह शेप हो जाए। मैं इसमें घटाकर आपको दिखा दे रही हूँ। उल्टे से तो हमेशा उल्टा ही रो बनेगा मेरा, इसलिए उसे मैं बार बार आपको नहीं बता रही हूँ। इसे घटाएंगे कैसे आप ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे मेरी ये जाली, जैसे इस जाली को भी मैं बुन लूंगी और फिर फंदे को आगे करके एक जोड़ा बुन लूंगी यहाँ पर। फिर से बीच के फंदे को सीधा बनाना है और यहाँ पर भी देखेंगे कि जाली के पहले के इन दो फंदे को मुझे एक जोड़ा बना लेना है पहले, और फिर आगे फंदा करके जाली बनाना है। ये मेरी जाली के पहले जाली हो गई, यानी कि इसे पत्ती की तरह ऐसे मोड़ने के लिए मुझे इस जाली के
बाद एक जाली बनाना है और फिर जोड़ा फंदा, और इस तरफ भी जाली के पहले जाली बनाना है और एक जोड़ा फंदा, यानी अंदर की ओर जाली बनाते जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने इसमें बनाया है, आपको एक यहाँ पर जाली बनाने के बाद फंदे को आगे कर ली हूँ, यानी इस जाली के बाद अंदर की ओर जाली बनाना शुरू की हूँ और फिर एक जोड़ा फंदा। वैसे इस तरफ इस जाली के पहले एक जाली बनाई हूँ और उसके पहले जोड़ा फंदा बनाई हूँ, तो मेरे बीच के सिर्फ तीन फंदे बच जाते हैं। तो तीन फंदे में मैं अगर इधर एक जोड़ा लूँगी तो इधर तो मेरा एक ही फंदा बचेगा, इसलिए इन तीन फंदों को मैं लास्ट में कैसे घटाऊंगी, लास्ट में मेरे तीन फंदे ही बचते हैं। जैसे यहाँ पर भी मेरे ये लास्ट में तीन फंदे यहाँ पर बचे थे, तो इसे कैसे घटाएंगे जो मेरा एक फंदा हो जाए वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सीधा बनाना शुरू करती हूँ, सीधा बनाने के बाद जाली को बुन लेंगे, क्योंकि फंदा मुझे अंदर की ओर घटाना है तो जाली बुन करके मेरा एक फंदा आगे करना है, और ये बीच के फंदे को जैसे वी नेक में गले को घटाते हैं चोटी बनाने के लिए, वैसे ही इसे घटाना है। जैसे देखिए तीन फंदे में इस फंदे को और बीच वाले फंदे को छोड़कर इधर वाले फंदे को ऐसे लेंगे और इसे एक सीधा बुन लेते हैं, एक सीधा पीछे से निकाल के बीच वाले फंदे को सिर्फ उठा लेंगे, इन दो को नीचे ऐसे गिरा लेते हैं, फिर इन दो फंदे को इधर सलाई में लाएंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से ऐसे गिरा लेते हैं। तो मैंने तीन फंदे का एक फंदा कर दिया और फिर फंदे को आगे कर लेंगे और यहाँ पर पूरा सीधा बुन लेते हैं। ऐसे तो ये देखिए मेरी ये बिल्कुल पत्ती की तरह हो गई और दोनों ओर जाली भी है। इस तरह से यहाँ पर इसे घटाते हुए लाएंगे। यहाँ पर मैंने बीच में जाली नहीं खोली है, ये आपको मैं सिंपल नीचे वाला पोर्शन बता रही थी, ये मैं आपको अलग से बता चुकी हूँ पहले कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पर चार जाली बनाने के कारण ये मेरा थोड़ा फैला हुआ लग रहा है, इसलिए ये पत्ती की बहुत अच्छी शेप आई है। यहाँ पर मैं यहाँ पर जाली नहीं बनाई हूँ इसलिए मेरा ये फैला हुआ नहीं है, ये पत्ती का शेप नहीं आया। मैं इसमें आपको सिर्फ नीचे कैसे घटाएंगे वो बता रही थी। अब यहाँ देखिए ये पूरे मेरे फंदे यहाँ से पूरे राउंड पीछे से होते हुए यहाँ तक 172 फंदे हो गए हैं, यानी मैंने यहाँ पर 83 फंदे से शुरू किया था, ये बढ़कर 172 फंदे मेरे हो गए हैं। इसी में मैं यहाँ से देखिए बाजू यहाँ तक निकालूंगी, यहाँ तक मैं बाजू निकाल लूंगी दोनों ओर, और ये मेरा अगला पल्ला हो जाएगा और इधर मेरा ये पिछला पल्ला हो जाएगा। तो अगर मैं बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की स्वेटर बनाती हूँ तो मेरा इतना फंदा काफ़ी है, इसमें मुझे एक भी फंदे बढ़ाने नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसे मैं 6 to 1 month की बेबी के लिए बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर थोड़े से फंदे बढ़ाने होंगे मुझे, तो यहाँ पर मैं बढ़ा लूँगी एक सिलाई में थोड़े से फंदे, बाजू में भी बढ़ा लूँगी, वो अपने मन के अनुसार है जो मैं बाद में आपको ये बनाकर बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।